विधानसभा के उपचुनाव के इंडिया प्रत्याशी वेवी देवी के पक्ष में जीत के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन ताकत झोंक दी। सीएम हेमंत सोरेन ने डुमरी विधानसभा में रोड शो किया। इसके साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री हफीजुल अंसारी, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री आलमगीर आलम भी मौजूद रहे। यह शो झारखंड कॉमर्स स्कूल से शुरू हुआ, जो चिरैया मोड़ से कुलगो, कुलगो से सिमराडी मोड़, डुमरी बाजार, इसरी बाजार, रंगामाटी होती हुई निमिया घाट तक पहुंचा। वहीं कार्यकर्ता सैकड़ों बाइक में सवार होकर साथ चल रहे थे। 2 घंटे तक चले कार्यक्रम में सीएम करीब 12 किलोमीटर रोड शो किए। रोड शो को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखी। यहां से सीएम हेमंत सोरेन वापस झारखंड कॉमर्स कॉलेज पहुंचे। इस रोड शो के दौरान काले रंग के ओपन थार पर मुख्यमंत्री सवार थे। इस थार पर मुख्यमंत्री के अलावा हफीजुल अंसारी, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री आलमगीर आलम सवार थे। इसी वाहन के अगले सीट पर इंडिया प्रत्याशी वेवी देवी बैठी थी। इस शो के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाथ जोड़कर लोगों का अभिनंदन करते दिखे। वहीं कहीं कहीं सीएम मुस्कुराते हुए हाथ हिलाते दिखे। इस दौरान कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय, विधायक सुदिव्य कुमार, जयमंगल सिंह, अंबा प्रसाद, पूर्व विधायक जीपी वर्मा, जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह, कांग्रेस नेता सतीश केडिया, राजू महतो समेत झामुमो कांग्रेस भाकपा माले के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। ठीक है, हम अपना काम करते हैं, हम लोग अपना काम करते हैं, हमारी पार्टी काम करती है, हमारा गठबंधन काम कर रहा है, निर्णय जनता को करना और इस लोकतंत्र में जनता सरपरि है। ये चुनाव हर उस शख्स के लिए महत्वपूर्ण है जो इस भारतवर्ष में संविधान और संवैधानिक संस्थाओं के मूल्य को समझता है। यह चुनाव तय करेगा कि भारत की जनता देश के संविधान और देश की संवैधानिक संस्थाओं के झरन को रोकने के लिए इच्छुक है अथवा नहीं है। ये चुनाव की जीत, इंडिया गठबंधन की जीत आने वाले चुनाव के लिए एग्जाम्पल सेट करेगी। इस देश की आम जनता इस देश के संविधान में आस्था रखती है और संविधान को बदलने और तोड़ने मरोड़ने के हर प्रयास का मुंहतोड़ जवाब देगी। इस चुनाव उपचुनाव में आप जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? डुमरी झारखंड आंदोलनों की धरती है और आंदोलन की धरती में तीर कमान कभी पराजित नहीं होता है। सबरंग समाचार के लिए गिरिडीह से पंचानंद राय की रिपोर्ट।